इन्होंने अपना इरादा पहले ही साफ कर दिया, और किसान भी पीठ पर गोली नहीं खाएंगे, सीने पर गोली खाएंगे। और गांव का जो डिजिटल इंडिया है जी, एक किसान तय करके बताएगा। आप 3 तारीख को जिस तरह की लखीमपुर में घटना हुई, खट्टर ने बयान दिया कि अपनी अपनी लठ मजबूत कर लो जी। इन्हें मोदी सरकार ने नौजवानों को सपना दिखाया जी, किसानों को सपना दिखाया जी, प्रवासी मजदूरों को सपना दिखाया। बोला था कि न भ्रष्टाचार, न गुंडा राज, न अत्याचार। तो सबसे पहले मैं जानने का आपसे ये प्रयास करूंगा, सर क्या नाम है आपका? हम भीमलाल हैं, इलाहाबाद से जी। और हम बताना चाहते हैं, जिस तरह से मोदी सरकार ने नौजवानों को सपना दिखाया जी, किसानों को सपना दिखाया जी, प्रवासी मजदूरों को सपना दिखाया, उस सपनों को उसने धराशाय कर दिया, चकनाचूर कर दिया। और इतना ही नहीं जी, जिस तरह से मोदी और योगी दोनों ने बोला था कि न भ्रष्टाचार, न गुंडा राज, न अत्याचार जी, आज ये तीनों चीज सामने उजागर हुआ है। आप अयोध्या का देखेंगे, जमीन का मामला, कितना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ जी। गुंडा राज आप देख रहे हैं लखीमपुर के अंदर जी, उन्नाव के अंदर जी, ये कितनी बड़ी गुंडागर्दी क्या है। मैं और तीन कानून, जिस तरीके से एक तीन कानून बताना चाहते हैं जी, तीन कानून ये मार मार कर लोगों को बताएंगे जी, पीट पीट कर बताएंगे। कानून अच्छा है, लेकिन लगातार किसान इन अत्याचारी सरकारों जुल्म को झेलते हुए, मुकदमे के झेलते हुए, इनका सामना करते हुए तीन कानून को वापस कराएगी जी। और कानून को वापस करा करके इस बेरोजगारी, अनाज के रेट जी, और गांव का जो डिजिटल इंडिया है जी, एक किसान तय करके बताएगा, दिखाएगा कि डिजिटल इंडिया कैसे होता है जी। ये मोदी ना, मोदी जी का डिजिटल इंडिया, उनका मेक इन इंडिया जी जो है, वो केवल विदेशी कंपनियों का विकसित करना, उनको बुलाना, दावत देना जी, उनका सपना यह है। लेकिन आज का जो डिजिटल इंडिया इनका सपना है, वो 1857 का देखिए, 1857 में जो कंपनियों की लूट थी जी, आज वो लूट के लिए ये मोदी जी बुला रहे हैं कंपनियों का। इतना ही नहीं, खास बात, इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो विपक्ष पार्टियां हैं जी, ये भी इन कंपनियों का विरोध न कर रही, केवल इन कानून के सहारे किसानों का नाम लेकर के ये सत्ता माना चाहती हैं जी। कोई कानून का विरोध न कर रहा, केवल बीजेपी का विरोध करके सत्ता माना चाहती हैं जी। और किसान इन बातों को, विपक्ष को समझ रहा है, भाजपा को समझ रहा है जी। उसकी केवल एक निशाना है, कंपनियों को भगाओ, तीन कानून वापस करो। मैं आपसे बारीकी से समझना चाहूँगा, आपने बताया लखीमपुर खीरी में किसानों की निर्मम हत्या कर दी गई, इस पर मैं आपसे ही जानना चाहूँगा, आपकी जो सरकार है, जो केंद्र में बैठी सरकार है, इसकी मंशा क्या है? अभी बीते दिनों अम्बाला में भी हमने एक घटना सुनी कि वहाँ नायब सिंह की जी के, जो वहाँ के विधायक थे, उनकी रैली में किसान को कुचलने का काम किया गया, आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, क्या क्या कुछ देख रहे हैं इसमें? आरोप प्रत्यारोप क्या बात है जी, ये तो सरकार की पूरी मंशा है जी। आप 3 तारीख को जिस तरह की लखीमपुर में घटना हुई, खट्टर ने बयान दिया जी कि अपनी अपनी लठ मजबूत कर लो जी। इन्होंने अपना इरादा पहले ही साफ कर दिया, और किसान भी पीठ पर गोली नहीं खाएंगे, सीने पर गोली खाएंगे जी। लेकिन ये सरकार, जिस तरीके से अजय मिश्रा का बेटा जी किसानों के ऊपर पीठ पर गाड़ी चढ़ाई, किसान तो सीना खोल कर बैठा है, आओ चढ़ाओ, गोली मारो, लठ चलाओ जी, मुकदमा लिखो, जेल भेजो, कितनी जेल, जेल तुम्हारी भर जाएगी जी। कपिल मिश्रा का यहाँ बयान आता है कि ये तो उपद्रवी थे, इस पर क्या कहते हैं कपिल मिश्रा? अरे पूरा भाजपा, पूरा आरएसएस, पूरा दंगा ये है, इनका पूरा इतिहास से भरा हुआ है। अंग्रेजों से किस तरीके से इन्होंने माफीनामा लिखा है कि हमें माफ करिए, हम आपके साथ काम करेंगे जी। और वीडियो तो ढेर सारे आ गए, सरकार को शर्म हो तो इस्तीफा दे, मंत्री से इस्तीफा दो, मंत्री को इस्तीफा जेल में डाल दे, लेकिन नहीं करना, लगातार इन अपराधियों को बचा के रखना ताकि किसानों को दमन करें, लठ चलाएं, ये इनका काम है। खुद किसान नेता राकेश टिकैत जी ने भी 7 दिन का अल्टीमेटम दिया था, जो वहाँ पर किसान मारे गए उनको 45-45 लाख रुपए मुआवजा देने का काम किया। इस बीच सरकार की जो मंशा है वो अपने मंत्री को बचाने का, अपने बचाव करने का दिखती है, परंतु यहीं सुप्रीम कोर्ट बार बार समन भेजता, उस समन को ना मानना, एक अपनी अलग मानसिकता बताना, ये क्या मंशा है इनकी? जैसे टिकैत साहब ने बोला जी कि हम अंतिम अरदास में घोषणा करेंगे, बिल्कुल
हम अंतिम अरदास में घोषणा करेंगे मंत्री का बेटा, मंत्री का इस्तीफा ना होगा, मंत्री जेल में ना जाएगा जी। तो एसकेएम के तरफ से, एसकेएम के सहमति पर डीके साहब ने 26 तारीख को लखनऊ में महापंचायत की घोषणा की जी। इस महापंचायत के बाद पंचायतों का दौर जारी होगा पूरे यूपी के अंदर। ये पंचायत मत समझिए इसे, इसे यूपी गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट बीजेपी का, इसकी भी कबर खुदेगी कबर जी। योगी जी अभी कुछ दिन पहले गौतम बुद्ध नगर आते हैं, दादरी में एक महापंचायत और एक चुनावी जो समीकरण जिसे हम कहते हैं चुनावी रैली भी समझ सकते हैं, खुले मन से कहते हैं प्रदेश का किसान खुशहाल है, उस बात से कितना आप वाक्य रखते हैं? ये उन किसानों की बात करते हैं जी जो हेलीकॉप्टर्स आते हैं जी, गेहूँ काटते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, हेमा मालिनी जैसे किसानों की ये बात करते हैं जी, जो किसान खेतों में काम करता है चिलचिलाती धूप में, भयानक ठंड में जी, भयानक ठंड में अपने खेतों की फसल की रखवाली करता है जी, आवारा पशुओं से, नील गायों से जी, उन किसानों की ये बात ना करते। किसान जाता है मंडियों में अपनी सब्जी लेकर जाता है, उसका रेट ना मिलता, मंडियों में फसल छोड़कर चला आए जी, उनकी बात कहाँ कर रहा है। मैं आपसे फिर से इन चीज़ों पर ही वापस आना चाहूँगा, आपने बताया कि किसानों की बात को ही नहीं रखना। प्रधानमंत्री जी मोदी जी अमेरिका का दौरा करते हैं, अमेरिका के दौरा से वो वापस आते हैं तो वो एक कार्यक्रम में शामिल होते हैं, किसान 11 महीने से यहाँ पे बैठा हुआ है, अपनी बातों को लेके अड़ा हुआ है, क्या उनसे मिलने का समय नहीं है प्रधानमंत्री मोदी जी के पास? ये मोदी जी की सरकार जो है जी, ये किसानों की हितैषी है, ये किसानों की हितैषी नहीं है, ये कंपनियों की हितैषी है जी, कंपनियों को बात करती है, कंपनियों को बुलाना चाहती है, कंपनी राज लाना चाहती है, किसानों की बात बिल्कुल ना सुनती जी। किसानों की अगर सुनती होती तो निश्चित रूप से किसानों से बात करती जी, काला कानून वापस होता, एमएसपी का कानूनी गारंटी देते, लेकिन इस कोविड के आड़ में इन्होंने अब जो सीड्स के बीज हैं जो छोटे छोटे पैकेटों में आते हैं, जैसे मिर्च, गोभी, टमाटर, बैंगन और अन्य जो भी, ये कोरोना में हर 10 ग्राम पर इन्होंने 100 रुपये रेट बढ़ा दिए। इतना ही ना जी, जब खाद की खपत कम है तो इन्होंने धीरे से खाद का दाम भी बढ़ा दिया जी। कैसे ही तैसी हो सकती है, एक तरफ आप लगातार डीजल का दाम बढ़ा रहे हैं, मोटरसाइकिल के जो चलते हैं किसान पेट्रोल उसका बढ़ा रहे हैं, तो कहते हैं जो फ्री वैक्सीन दी जा रही है इससे इसको बराबर कर देंगे पेट्रोल और डीजल के दाम, इसीलिए बढ़ रहे। देखिए ये भाजपा सरकार कितना निकम्मी, कितना गिर के बात करेगी ये हमें ना पता जी। आप देखेंगे जी, भारत से गरीब देश जी, छोटा मुल्क जी, जो भारत सरकार हमेशा दबा के रखती है, श्रीलंका जी, पाकिस्तान जी, बर्मा जी, बांग्लादेश, म्यांमार जी, जो ये सब देश हैं, यहाँ से आप ये समझिए कि मलेरिया पूरी तरह से खत्म हो गया बीमारी जी, लेकिन भारत देश मलेरिया का इतना बड़ा स्कोप है जी, बड़ी कंपनियों का दवाओं का जी, निर्यात करने का, ये सरकार तो धंधा बना रखा है, बड़ी कंपनियां बुलाते हैं आओ हमारे यहाँ धंधा करो, हमारे यहाँ बीमारी का सौदा करिए, इस बीमारी का सौदा करो, इस तरह कोविड के आड़ में कोविड के लिए भी सौदेबाजी कर रहे हैं जी। ये भारत के लोगों को ठीक करने का नहीं बल्कि कंपनियों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए उस फायदे का थोड़ा सा हिस्सा अपने जेब में डालते हैं। लखीमपुर खीरी में हादसा हुआ, निर्मम हत्या कर देगी किसानों को, 2022 के चुनाव नज़दीक हैं, सब लोग जो तमाम जो पार्टियां हैं विपक्ष की पार्टियां उन्हें वहां रोकने का काम करते हैं, उन्हें रोका जाता है, उनकी बातों को हनन किया जाता है, कहां लग रहा है आपको लोकतंत्र कहीं ना कहीं कितना खतरे में? ये लोकतंत्र अब जो तीन कानून बना जी, ये तीन कानून खेती का, जबकि खेती का पावर तो राज्य के पास है जी, लेकिन इन्होंने जो है बना दिया कानून, इन्होंने लोकतंत्र की तो हत्या कर दी जी। और इस पर हम सबसे बड़ा अचंभित हैं कि विपक्ष जरा भी हल्ला ना किया, धीरे से कानून को पास कर दिया जी। निश्चित रूप से एक जेब में बड़ी कंपनियों की जेब में, एक जेब में बीजेपी है, दूसरे जेब में विपक्ष है, उनको तो एकदम ठीक अच्छा लग रहा है, उनको तो अच्छा लग रहा है, एक जेब में पक्ष है दूसरे जेब में विपक्ष है, उनको बिल्कुल आपत्ति नहीं इन कानूनों से विपक्ष को, केवल इन कानूनों के आड़ में किसान आंदोलन काल में विपक्ष केवल सत्ता में आना चाहता है जी। लेकिन इस बारी की बात को किसान बाखूबी जानता है और किसान इनको जो है वोट के साथ साथ संघर्षों से चोट देगा।
वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें, क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी मास्क है जरूरी। नमस्कार।